तो ग्रहों की यात्रा के अंदर जो 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं के गुणधर्म कैसे बनते हैं, नॉर्थ से अगर पैसा आता है, नॉर्थ जो है मनी अपॉर्चुनिटीज का है, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उस दिशा को जो गवर्न करता है वो प्लैनेट है बुध, और बुध ऐसा एक प्लैनेट है जो कि किसी की कुंडली के अंदर क्या वो व्यक्ति पैसा कमाने के लायक है या नहीं है, बुध वो बताता है। इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं सारथी जी ने जो सिखाया है। एक कपल था जो उनकी आई थिंक 5-6 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 6 मंथ्स के बाद ही वाइफ को पता चला कि उनका काफ़ी लोन्स है फैमिली पे और उनका घर बिक रहा है, ऑफिस फैक्ट्री बिक रही है, सब कुछ मतलब काफ़ी ऐसा। तो उनको कभी अपनी फैमिली पे विश्वास नहीं हो पाया, उन्हें लगा ये लोग इन्होंने बेवकूफ बना के शादी की है हमसे। और तब से वो पक्की थी कि मुझे ना इस हस्बैंड के साथ रहना नहीं है और मुझे ये शादी तोड़नी है। लगी रही, बीच में कोई बैठ के ठीक कर देता था, बट फिर बात वहीं पहुंच जाती थी। तो उनको मैंने शुक्र का यंत्र दिया जो सारथी जी ने सिखाया था, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो बहुत प्यार से अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, और वो मतलब मुझे कहती है कि इतना प्यार मेरे को, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अपने हस्बैंड से है, और बहुत उनमें अंडरस्टैंडिंग है, मिल के सब चीज़ें अपनी लाइफ की सॉर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट। और भी एक और ऐसे ही है, उनकी ना उन्होंने काफ़ी मतलब उनका काम कुछ और है, साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, बट डीमोनेटाइजेशन के बाद ना उनकी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी। तो काफ़ी वो परेशान थे कि हमने कुछ लोन और चीज़ें उतारनी है, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अराउंड 40-50 CR की हैं, बट अगर हम उनको वो बिक पाएंगी तभी हम उतार पाएंगे लोन। और उनको वो प्रॉपर्टी सेल वाला यंत्र दिया, और उनकी 4-5 प्रॉपर्टी अराउंड 10-11 CR की, मतलब वो कहते हैं जितना हम एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा मिला है हमें। तो बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या वो व्यक्ति पैसा कमाने के लायक है भी या नहीं, वो ये बताता है। उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो होम बेकिंग करती थी, घर पे केक्स बना के बेचती थी, उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करता था। इवन थोड़े बहुत जो वो खुद कमाती थी 7-8 हज़ार रुपये महीने के, वो भी चोरी कर लेता था कितनी बार। आज की तारीख में उसके उनके हस्बैंड के पास बिजनेस है, वो मंथ का 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, अपनी वाइफ को भी बहुत अच्छे से दे रहा है, उनका घर बनना भी चालू हो गया है, उनके पास कार भी आ गई है। और उनकी ये प्रॉब्लम 4-5 साल से थी, और वो बहुत जगह घूम चुके थे, मतलब मैं बोलूँगा 100 तो बहुत छोटा नंबर हो गया। तो वास्तु के साथ साथ सीखा क्या? वास्तु वो कर्म है जो हर व्यक्ति करता है, वास्तु आप स्वयं हो, कोई और नहीं है। कौन है वो? प्रणय है, मैं कलकत्ता से हूँ, एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी सारथी जी से ही सीखा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, मगर सारथी जी से जब से जुड़ा हूँ मेरा लाइफ बहुत बदल गया है। मैं अपना एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ, ये मैं खुद के ऊपर किया हूँ। लॉकडाउन के बाद थोड़ा बिजनेस का हालत बहुत ख़राब हो गया था, ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो बहुत परेशान थे। आप तो जानते, मैं और मेरा भाई बिजनेस करते एक साथ, तो मेरा भाई ने बोला अरे तूने एस्ट्रोलॉजी किया है, अभी तू कुछ कर। तो मैंने क्या किया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक हम लोगों का स्टोर बना हुआ था, और नॉर्थ और थोड़ा सा नॉर्थ आ रहा था, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ रहा था। मैंने पूरा उस स्टोर को हटाया, मेटालिक कलर से कलर करवाया, उसको एकदम बढ़िया से सजाया। आप बिलीव नहीं करोगे, जो पार्टी ऑर्डर नहीं दे रहा था, यूएसए का पार्टी था, वो खुद सबसे बड़ा वर्क ऑर्डर वो भेजा है। एक वर्क इतना बड़ा वर्क ऑर्डर, मतलब हम लोगों का वर्क ऑर्डर आता है 2 CR का, 1.5 CR का वर्क ऑर्डर आता है, और उसने 3 करोड़ का वर्क ऑर्डर भेजा है वो सब करने के बाद। ये मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और मैं ये बोलना चाहता हूँ सारथी जी से जुड़ने के बाद लाइफ बहुत अच्छा हो गया। लाइफ में मेरा जो इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी की तरफ, वो दिन दिन और बढ़ जा रहा है। मैं ऐसा भी हो सकता है मैं बिजनेस छोड़ के एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना लूं। कर्म भूमि का अर्थ क्या है कि तुम जिस जीवन काल के अंदर अपना जीवन जीने आए हो, उस जीवन के अंदर तुम्हारे ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर के तुम्हें भेजा गया परमपिता परमात्मा।
कभी तुम मदर की भूमिका में हो, कभी तुम फादर की भूमिका में हो, कभी तुम डॉटर की भूमिका में हो, कभी तुम पुत्र की भूमिका में हो। क्या वो करेक्टर जो तुम्हें परमात्मा ने दिया, तुम्हें तुमने वो अच्छे से प्ले किया? इसी को मोक्ष कहा गया। मेरे कजिन हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ मतलब ओके हैं, मतलब इट्स अ लव मैरिज, फिर भी मतलब रिलेशनशिप उतना ग्रेट नहीं था उनका, तो जस्ट मैंने उनको दिया शुक्र का यंत्र। तो दोनों ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे लेने के लिए। आई टोल्ड जस्ट यू कैन कीप इट, मतलब आप जिस वे से रखना चाहते हैं आप रख लो, बट यू कैन जस्ट कीप दिस करके। सो अबाउट 15 या 20 डेज में वी कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज। अब उनका फीडबैक है जो मतलब हस्बैंड आता था घर, अपने आधा घंटा बैठा अपने रूम में चला गया वगैरह। नाउ दे से दैट ऑलमोस्ट दे स्पेंड अबाउट 3 to 4 आवर्स एवरी डे एज अ फैमिली, मतलब पेरेंट्स भी और बच्चे भी और मतलब उनके बच्चे भी, मतलब ऑल द 6 मेंबर्स स्पेंड अबाउट 3 आवर्स। वो एक ड्रास्टिक चेंज है। और एक कज़िन है उनको जो है पेमेंट्स स्टक थे उनके मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो उनको भी शुक्र का यंत्र दिया तो उनके पेमेंट्स, वो कहते हैं इतने हाई रिलीज हुए हैं, बोलते हैं हमारा फ्लो ही अलग हो गया है, मतलब कपल ऑफ क्रोर्स के पेमेंट उनके स्टक अप हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट 50% रिकवरी है। नॉर्थ से पैसा आता है, क्यों आता है? क्योंकि बुध प्लैनेट जो है वो पैसा देता है। तो जब भी कभी पैसे को ध्यान में रखना है तो पहली नजर किस प्लैनेट की ओर जानी चाहिए? मरकरी की ओर। कहूँ तो लाइक जो भी लाइफ में अप डाउन्स थी उसके हिसाब से वास्तु में चेंजेस करने के बाद 3 डेज में रिजल्ट्स मिले हैं। हस्बैंड की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया। आज तो मतलब अगर कुछ करना हो तो पहले मेरे से पूछ के फिर ही कर रहे, इतना मतलब इतना कुछ उनमें चेंजेस है। अभी ही 2-3 दिन के पहले की बात है कि लाइक बैंक से कुछ उनको काम करवाना था तो हो रहा नहीं था, तो ऐसे ही रैंडमली वो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा और बताओ और क्यों नहीं हो रहा, किस लिए हो रहा है, तो उससे रिलेट करके मीन्स घर में भी चेंजेस करे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, और वहाँ बैंक का वो फोटो भी लगवा दिया। तो कह रहे सामने से, दूसरे दिन सामने से फिर फ़ोन आ गया कि हो जाएगा। और एक केस स्टडी, हमारे मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड है, तो उनका उन्होंने लाइक लास्ट जनवरी कुछ अपनी एडवर्टाइजिंग की स्टार्ट की थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनमें उन्हें कुछ मतलब कुछ वो नहीं मिला, मतलब प्रोग्रेस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो लाइक जब हमसे मिले तब तो उनका ऐसा हाल था कि सुसाइड करने के फुल हालत में थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं हम हेल्प करेंगे, तो उस हिसाब से हमने हेल्प किया। तो 2 महीने के अंदर ही उनकी लाइफ में चेंजेस ऐसे आ गए, और आज तो 3-4 महीने हो गए। जब उस टाइम पे उनके पास एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, आज 6-6, 7-7 महीने में एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे, मतलब इतना एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से लाइक मैं तो उनका है एस्ट्रोलॉजिकली हर चीज़ जो होता है उसको करके देती हूँ, बट इतना फ़र्क है उन्हें, इतना फ़र्क है ना, आज तो कुछ भी वो कुछ भी करना रहा ना तो बिना पूछे नहीं कर रहे, इतना फ़र्क है उन्हें। जैसा आपका भवन है, जिस भवन में आप रहते हो वैसा आपका शरीर हो जाता है, जिस भवन में तुम रहते हो वैसा ही तुम्हारा शरीर है। और थोड़े दिन पहले एस्ट्रो वास्तु के उससे अपने रिलेटिव में ही मैंने उनको बताया, जैसे घर की प्रॉब्लम उन्होंने बताई उससे रिलेट करके कुछ कुछ सामान बताया, बोलते ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला? मेरे पापा का ही प्लॉट नहीं सेल हो रहा था काफ़ी टाइम से, उनको प्रॉपर्टी सेल कर दिया, वो डबल बेनिफिट के साथ सेल हुआ है परसों ही, कल आए थे तो बता रहे थे। अरे वाह, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा, कहते ये बहुत अच्छा हो गया, मैंने कहा फीस दे दो आप पहले इसकी तो